प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या मर्दों को औरतों के मुकाबले में बराबरी के हकूक हासिल हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। बहुत शुक्रिया। आपको हैरत नहीं होती कि पूरी दुनिया में ख्वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है, बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है, लेकिन मर्दों का कोई आलमी दिन नहीं। क्या हर्ज है अगर हमने ख्वातीन का आलमी दिन मनाया तो मर्दों का भी कल आलमी दिन मना लें। ये आलमी दिन तय करने वाला जो कोई भी है मर्दों को अगले दुश्मन लगता है, वरना कभी इतनी बेइंसाफी ना करता। मर्द से ज्यादा बेबस और जबर का शिकार दुनिया में कोई मखलूक नहीं। इसके बावजूद ना हमारा आलमी दिन मनाया जाता है, ना हमें औरतों के बराबर हकूक दिए जाते हैं। आमतौर पर यही समझा जाता है कि मर्द बड़ी आजादाना और खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन भाइयों, मैं और आप ही जानते हैं कि हम पर क्या क्या पाबंदियां लगी हुई हैं। हम अपनी मर्जी से टीवी का चैनल नहीं तब्दील कर सकते, बस में कोई हमारे लिए सीट खाली करने की जहमत नहीं करता, हमारे लिए कहीं कोई नहीं कहता कि मर्दों की इज्जत करें। मर्द औरत को छेड़े तो केस बनता है, औरत मर्द को छेड़े तो मजाक बन जाता है। औरत स्कर्ट पहन ले तो फैशनेबल कहलाती है, हम निकर पहन ले तो बेशरम। औरत आंखों में आंखें डालकर बात करे तो पूरे दिमाग कहलाती है, हम करें तो लोफर का लेबल लग जाता है। औरत हम सर बात करे तो खुश इखलाक कहलाती है, यही हरकत हम करें तो शिकारी कहलाते हैं। हमें बार बार ताना दिया जाता है कि ये मर्दाना मुआशरा है, हालांकि दोस्तों बुजुर्गों, ये सरासर जनाना मुआशरा है। हम मर्द जिस माशरती बेहसी का शिकार हैं, इसके बारे में लिखते हुए मेरा कलम कांप रहा है, आंखों में आंसू हैं। हमें तो वैगन खाली होने के बावजूद कोई अगली सीट पर बैठाने के लिए तैयार नहीं होता, और अगर कभी खुशकिस्मती से ये मौका मिल भी जाए तो ड्राइवर घूर कर कहता है, परे होकर बैठो, गियर भी लगाना होता है। हमारे लिए कोई एनजीओ नहीं, कोई दारुल अमान नहीं, कोई मखसूस नशिस्तें नहीं, कोई अदब व आदाब के कायदे नहीं। हमारा तो खौफनाक एक्सीडेंट भी हो जाए तो हमदर्द लोग हमें उठाने की बजाय उस खातून की तरफ लपकते हैं जिसे खराज तक नहीं आई होती। हम फेसबुक पर अपनी तस्वीर खातून लगाए तो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह और वाह वाह की सदाएं बुलंद होने लगती हैं। हम हर किस्म के हालात का जनाना वार मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन कोई हम पर यकीन ही नहीं करता। हम तो इतने काबिले रहम हैं कि औरतों की बराबरी का सोच भी नहीं सकते। काश दुनिया हमसे भी मीठे जे में बात करे, काश हमारी तस्वीर भी तहरीर से ज्यादा हिट हो जाए, काश कोई हमारे शेरों के भी डिजाइन बनाकर हमें गिफ्ट करे, काश कोई हमें भी ईजी लोड कराए, काश कोई हमारे लिए भी किसी जगह लिख कर लगाए कि मर्द बाप बेटा भाई और शोहर होता है, काश हमारे लिए भी कोई कमा कर लाए, हमारे भी कोई नाज नखरे उठाए। लेकिन नहीं, हमारी किस्मत में बॉस की जाड़े हैं, दुकानदार के ताने हैं, घर के खर्चे हैं और बच्चों की फरमाइशें हैं। मर्द होना कोई आसान काम है, ये मर्द ही है जो अपनी छत बनाता है, ये मर्द ही है जो रक्षा चलाता है, ये मर्द ही है जो सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह सिर्फ इसलिए काम में जुटा रहता है ताकि घर का किराया अदा कर सके, बच्चों के स्कूल की फीस दे सके, फिर भी हमारा कोई दिन नहीं मनाया जाता। हालांकि हमारा तो पूरा हफ्ता मनाना चाहिए, जिसको देखो खवातीन के हकूक के लिए कमर बस्ता नजर आता है, गोया हम मर्दों को सारे हकूक हासिल हो चुके हैं। किस किस को बताएं कि यार हम औरतों से ज्यादा मजबूर हैं।
आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी नाके पर पुलिस वालों ने औरत की गाड़ी रोककर इसकी तलाशी ली हो। यह सदमा भी हम मर्दों को झेलना पड़ता। हमें तो फकीर उस वक्त तक मुंह नहीं लगाता जब तक हमारे साथ कोई औरत बैठी हो। हम किधर जाएं, किससे फरियाद करें? औरतें खुले गले पहनकर दफ्तर आए तो रोशन ख्याल कहलाती। हम गिरेबान का एक बटन भी खोल लें तो बॉस दांत पीसने लगता है, ओए तेनू तमीज नहीं, दफ्तर आया आन दी। क्या करें, किधर जाएं? ये हक भी औरत ही को हासिल है कि वो किसी भी मर्द पे कोई भी इल्जाम लगा सकती है। सारा जमाना इसकी हमायत में खड़ा हो जाता है। हमें कोई ठुड्डा भी नहीं मार, ठुड्डा भी मार जाए तो हम शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि हम मर्द हैं। फेसबुक पर आपने अक्सर खवातीन का स्टेटस पढ़ा होगा जिसमें वो साफ साफ लिख देती हैं कि अगर किसी ने मुझे इन बॉक्स में उल्टा सीधा मैसेज भेजा तो मैं इसे ब्लॉक कर दूंगी। और ब्लॉक भी ऐसे लिखती हैं गोया हलाक कर देंगी। बंदा पूछे, बीबी अगर यही हरकत तुम करो तो इसकी क्या सजा? असल में खवातीन को भी पता है कि वो किस कदर इख्तियारात की हामिल है। ये मर्दों के बराबर हकूक चाहती हैं लेकिन वैन में मर्दों के बराबर बैठने के लिए तैयार नहीं। यकीन कीजिए इन्हें मर्दों से 150-200 गुना ज्यादा हकूक हासिल है लेकिन चूंकि इनका दिन मनाया जाता है, क्योंकि इनकी अहमियत है, क्योंकि ये शोर मचाने की अहलियत रखती हैं, लिहाजा हम जैसे नुमाने मर्द दबक जाते हैं। आपने आज तक मुख्तलिफ दफातर में यही लिखा देखा होगा कि खवातीन का एहतराम करें। कभी यह भी देखा है कि कहीं टूटी फूटी इबारत में मर्द का एहतराम कभी नोटिस लगा हो? सिर्फ इसलिए कि मर्द का एहतराम सुनने में ही बड़ा मज़ा खेल लगता है। शादी के वक्त भी ये हक लड़की वालों का होता है कि वो लड़के के दोस्तों से मिलें और पूछें कि मौसूफ का किरदार कैसा है। लड़के वाले कभी लड़की की सहेलियों से रब्ता करके ऐसा बेहुदा सवाल नहीं पूछते। औरत अपने शौहर के लिए दो वक्त की रोटी बनाए तो मौतबर ठहरती है लेकिन उस मर्द के बारे में क्या कहेंगे जो शदीद गर्मी में झुलसते हुए तंदूर पर खड़ा रोजाना हजारों रोटियां लगाता है। लड़कियां बाल छोटे करवा लें, जोगर पहन लें, पैंट पहन लें, कोई हर्ज नहीं लेकिन लड़के कान में बाली पहन लें तो अब्बा जी जूती उतार लेते हैं कि बेगैरता अपने मामे तेज ही आए। मैं कहना यह चाहता हूं कि हम मर्द लोग इंतहाई शरीफ अल-नफ्स बाकिरदार और शर्म हया के पैकर होते हैं। जो लोग इस बात पर दंदियां निकाल रहे हैं इन्हें शर्म आनी चाहिए, तरफ से ठुकराई हुई मखलूक है। हम गंजे हों, मोटे हों या काले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मेहनत करते हैं और खुद धूप में जलकर भी अपनी बीवी बच्चों को साया फराहम करते हैं। हमारी खूबसूरती हमारे चेहरों में नहीं, हमारे दिल में होती है। हम ईद पर बेशक अपने लिए कोई कपड़ा ना खरीदें लेकिन बीवी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर लेते हैं। मेरी गुजारिश है कि हमें भी 100 में से कम अज कम 33 नंबर जरूर दिए जाएं और कुछ ऐसा हमारे बारे में भी कह दिया जाए कि जिससे हमें एहसास हो कि हम भी कोई हक रखते हैं। काश हमारे लिए भी कहीं तहरीर हो के वजूद मर्द से है तस्वीर कायनात में रंग। दोस्तों इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज़।